मरार ने ग्राम नांदगांव के समाज के युवक के हत्या मामले में दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर एसपी कार्यालय का घेराव किया। घेराव के दौरान ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की। नमस्कार, जीवन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कुसुम ठाकुर। दरअसल ग्राम नांदगांव के रहने वाले पूनम पटेल की 18 मार्च 2024 को गला रेत कर हत्या कर दी गई थी और लाश को गांव के तालाब में डाल दिया गया था। मामले में कोतवाली पुलिस ने नांदगांव निवासी आरोप प्रेम जांगड़े को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन ग्रामीण और समाज के लोगों का आरोप है कि पूनम की हत्या में एक व्यक्ति नहीं बल्कि और भी लोग शामिल है, इसलिए निष्पक्ष जांच कर दोषियों की गिरफ्तारी की जाए। इसी मांग को लेकर एक बार समाज पुलिस को ज्ञापन सौंप चुका है। मांग पर कोई सुनवाई होती ना देख आज फिर समाज के लोग वो ग्रामीणों ने एसपी कार्यालय का घेराव किया। समाज के पदाधिकारियों ने एसपी से मुलाकात कर अपनी मांग रखी। एसपी ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया, तब जाकर इन लोगों ने घेराव समाप्त किया। जहां मरार समाज के जिलाध्यक्ष का कहना है कि पूनम की हत्या में और लोग भी शामिल हैं, इसलिए इसकी निष्पक्ष जांच हो। वहीं एसडीओपी का कहना है कि मामले में एक आरोपी का गिरफ्तार किया गया है जो अपना जुर्म कबूल चुका है। समाज की मांग पर जांच दोबारा कर निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकरण में मृतक पूनम पटेल के हत्या जिसने की थी जांगड़े नामक युवक ने, उसको जांच के पश्चात गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। जुडिशियल रिमांड में है, प्रकरण की विवेचना जारी है और यदि इनकी मांग है कि अन्य कोई व्यक्ति होगा तो उसकी जांच निष्पक्ष रूप से करके उसको भी अभियोगी बना के अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है न्यायालय में। मैं पवन पटेल, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, अभी वर्तमान में सभापति हूँ नगर पालिका में, और मरार समाज का जिला अध्यक्ष हूँ। अभी जैसे देखा आप लोग एसपी से मिलने आए हैं और इधर एसपी कार्यालय के पे आपने बाहर में घेराव भी किया आपके समाज के, क्या वजह है, क्या है वजह इसके घेराव? ये 18/3 को नांदगांव में एक पूनम पटेल का मर्डर हुआ था, उसमें एक ही आरोपी का गिरफ्तार हुआ है और ये पूरे गांव वालों का और हम सब का ये मानना है कि उसमें एक ही आरोपी नहीं है, उसमें और आरोपी है, उसको भी पकड़ा जाए, सूक्ष्म जांच किया जाए इसके बारे में। ऐसे करके पूरे गांव वाले लोग आज एसपी और कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। अभी आपने एसपी साहब से मुलाकात की? हाँ। क्या बात होगी आपकी? एसपी साहब बोले कि हम सूक्ष्म जांच कराएंगे इसके बारे में और जांच चल रही है अभी, और आप लोगों को कुछ शंका है तो और जांच कराते हैं, डबल इसका रिपोर्ट आने वाला है, रिपोर्ट देख के फिर हम और जांच करेंगे। तब आप लोग क्या मतलब आगे क्या रणनीति आप लोग? अब रिपोर्ट में हम लोग यही चाह रहे हैं कि एक व्यक्ति मर्डर नहीं कर सकता, उस जिस प्रकार से वहाँ हत्या हुई उसका, तो इन पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए, ये हमको शासन प्रशासन से मांग है। और आप लोग देख रहे हैं इतने लोग आए हैं और ये लोग दो बार हो गए यहाँ आते, पूरे गाँव के गाँव यहाँ आ रहे हैं, तो कुछ तो होगा इसमें। इतने लोग गांव के लोग ऐसे तो नहीं है कि किसी के कहने पे ऐसा आ गए हैं। बात नहीं तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम जांच के बाद किया जाएगा, क्या जांच आएगा उसका। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जीबीएन 24 न्यूज़।